गुना की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी ज्ञापन सौंपा और दलित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा की गई मारपीट का विरोध किया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो लड़ाई है, तलवार एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला प्रभारी हूँ, जो इंचार्ज भोपाल। और आज जो हम जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं श्रीमान राज्यपाल महोदय के नाम से है, श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा एक प्रेषित किया जाएगा। और जो घटना को लेकर हम जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो गुना के एक दलित परिवार के साथ में पुलिस और प्रशासन की बेरहमी से उन लोगों की पिटाई करना, और जिससे कि आप भी वीडियो देखोगे आपको भी दिल दहलाने वाली ये घटना है। पुलिस को यदि कार्रवाई करना है, यदि जमीन को छुड़वाना है, तो पुलिस प्रशासन तहसील न्यायालय से सहारा लेकर या आदेश को लेकर वो जमीन को खाली करा सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो जमीन उसी की है, वो बरसों से उस पर काबिज है, और यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उसको खरीदा है तो उस खरीद लिया है, ठीक किया है, लेकिन उसके बदले आप दूसरी जगह दे दो उसको। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस और भारतीय जनता की जो सरकार है, ये सरकार ने पट्टे तो दिए हैं, लेकिन दलित शोषित समाज के एससी एसटी के लोगों की जमीनों पे वो आज भी काबिज नहीं है। अरे ये हमारा ज्ञापन और ज्ञापन हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने क्या नाम है?